सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ए नाम के लोगों के बारे में और जानेंगे यह वैलेंटाइंस डे उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो यह 14 फरवरी अगर आपका नाम ए अक्षर से शुरू होता है तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। और ए नाम के जितने भी लोग होते हैं उनकी जो राशि होती है वह मेष राशि होती है। तो मेष राशि वाले या ए जातक के नाम वाले आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ए नाम के लोगों को क्या इस वैलेंटाइंस डे या 14 फरवरी को उनका प्यार मिल पाएगा या उन्हें अभी कुछ देर और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ए नाम के राशियों में क्या परिवर्तन होने वाला है जिसकी वजह से इनको इस साल प्यार मिलने के सबसे ज़्यादा योग बन रहे हैं। और इस साल ए नाम के लोगों में 70% लोगों को उनका प्यार मिलने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो इस साल ए नाम के लोगों में अर्थात मेष राशि के सातवें घर में सूर्य और बृहस्पति दोनों एक साथ प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस कल्याणकारी ग्रह परिवर्तन से आपके भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव होगा और इससे आपके प्यार जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चाहे आपका ब्रेकअप हुआ हो या आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, ये कोई चीज़ जो है मैटर नहीं करेगी यहाँ, क्योंकि ये जो भाग्य परिवर्तन है यह आपको आपका प्यार दिला कर जाएगी। बस आप लोगों को करना क्या है कि आपको अपने दिल की बात अपने पार्टनर से ज़रूर बतानी है, पर ये चीज़ आप लोगों को एकाएक नहीं करना है। कम से कम आपको अपने पार्टनर को इतना ज़रूर बता देना है, उसको इस बात का ज़रूर पता होना चाहिए कि कोई लड़का या कोई लड़की है जो मुझे बहुत चाहता है। जब इस बात का पता आपके पार्टनर को हो जाएगा तो वो हमेशा इसके लिए तैयार रहने वाला है कि ये बंदा कभी ना कभी या ये बंदी कभी ना कभी मुझे प्रपोज ज़रूर करेगी, तो उस पर मुझे क्या रिएक्ट करना है वो अपने पहले ही मन में बना बैठेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो प्रपोजल एक्सेप्टेंस का जो चांस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस साल ए नाम के लोगों में केवल 30% लोग ऐसे हैं जो अपना प्यार पाने में असफल रहने वाले हैं, तो इनके लिए अगले साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग अगले साल तक वेट कर लीजिएगा, नेक्स्ट ईयर आप लोगों को अपना प्यार ज़रूर मिलेगा। तो हम आशा करते हैं हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपका नाम भी ए अक्षर से शुरू होता है तो कमेंट में अपना नाम अपने प्यार का नाम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं अपने अगली वीडियो में आप लोगों के कमेंट को शामिल करूँ। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।